ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन में किसानन के जमीन तो अधिग्रहित कर लीन गए, लेकिन न उनका उचित मुआवजा मिला, न उनके परिजनन का नौकरी मिली। बहुत बैरिकेड कह दीन गया है, बीच के रास्ता का ब्लॉक कह दीन गया है। पुलिस लाठी डंडा से लैस होके बैठे पहुंच गए ही। पुलिस वाले जबरदस्ती रोके, हमको रेल रोकना है दिल्ली वाली 4:30 बजे। हम किसानों को रेल रोके नहीं करे रहे। हाँ रेल रोके नहीं करे, ये पुलिस वाले रोक ली नहीं। ये जान रेलवे नौकरी दे कही थी तो आप नहीं दे रही है, पहले का इस मुआवजा नौकरी एक एक जन का दे। अभी उन्होंने बोला कि हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है, फिर बोला स्क्रीनिंग चल रहा है, अब आपको बुलावा भेजा जाएगा, और फिर बाद में बोल दिया कि आपको नौकरी ही नहीं दी जाएगी। बड़े स्तर का मैटर है और रेलवे डिपार्टमेंट का मैटर है। हमारी 500 की फोर्स लगी हुई है इसमें, रेलवे की RPF GRP ये सारी फोर्सेस लगी हुई है और हमारी भी फोर्स लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के विंध के रीवा में किसान और हितग्राही जो है आक्रोशित है। वजह यह है, अपना वचन के द्वारा कहा जाता है कि ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन में किसानन के जमीन तो अधिग्रहित कर लीन गए, लेकिन न उनका उचित मुआवजा मिला, न उनके परिजनन का नौकरी मिली। जेका लेके अब किसान और उनकर परिजन जो है आक्रोशित है और सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए रहे हैं कि बात कुछ और ही और काम कुछ और हो रहा है। तो विंध क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बाहम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी ये खास खबर के, जहाँ अपना पंचक बता दी कि आज रीवा में रेल से जुड़े मुद्दन पर आज किसानन के द्वारा रीवा से दिल्ली जाए वाली आनंद विहार का रोके के जो है कल यह खबर आई रही, जेके बाद रीवा कलेक्टर के द्वारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में धारा 144 लगाए दीन गए रही। अब जो है बहुत बैरिकेड कह दीन गया है, वो बीच के रास्ता का ब्लॉक कह दीन गया है। पुलिस लाठी डंडा से लैस होके अबेठे पहुँच गए ही, हालांकि अधिकारी अफसर फिलहाल अबेठे नहीं पहुँचे हैं। देखे ला है कि भारी मात्रा में अब अधिकारी एठे पहुंच रहे हैं और अधिकारी का जो अल्टीमेटम दीन का रहा इनकर किसानन के कहा है कि हम पचे मांग करे रहन कि यदि हम कब जन का नौकरी न दीन जाइए तो हम यह रेल का रोकब। हालांकि यह रेल रोके तक पहुंच नहीं पाए, न रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाए, बीच रास्ते में इनका पचन का रोक दीन का है। हालांकि और कुछ लोगन से हम बात करे के पुलिस वाले जबरदस्ती रोके, हमको रेल रोकना है दिल्ली वाली 4:30 बजे। हम किसानों को रेल रोके नहीं करे रहे। हाँ रेल रोके नहीं करे, ये पुलिस वाले रोक ली नहीं। कहा थे हम लोग न जाने, हम लोग 28 तारीख का अल्टीमेटम दिए हैं, न जाने ही तक कहा गए हैं वहाँ रेल रोक अब दिल्ली वाली ये जबरदस्ती कर रहे हैं। SP पुलिस विभाग के सब गलत कर रहे हैं। लोगन से हम कुछ ऐसे महिला हुई उन्होंने जाने के प्रयास कहा बिमला शर्मा। बिमला जी ये बताई काहे खितिर ये धरना दे लागे। ये जान रेलवे नौकरी दे कही थी तो आप नहीं दे रही है, पहले का इस मुआवजा नौकरी एक एक जन का दे, लेकिन अब नहीं दे रही है, अब नहीं दे रही है, तो ऐसे सबको धरना धरे हैं कि भाई साहब आज काहे खितिर निकले हैं। रेल रोके की थे, नौकरी नहीं देता है तो रेल रोके के लिए निकले हैं। हमारे साथ गद्दारी की है, धोखेबाजी की है और रेलवे ने अपने वादे से मुकर गया है, जो वादा किया था वो वादे को नहीं निभा रहा, वादा तोड़ दिया। रेलवे ने जनता के साथ सरासर गद्दारी की है। पहले कुछ और कहता है, बयान कहाँ से? हम जबलपुर से। अपना के कितनी जमीन अधिग्रहित की? हमारी यहाँ पर खेत 2 ठो थे वो अधिग्रहित किए गए हैं। कहाँ? सीधी में। हाँ तो रघुनाथपुर रामपुर नेकिन में। कहा थे कि अब कहा हुई? अभी उन्होंने बोला कि हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है, फिर बोला स्क्रीनिंग चल रहा है, अब आपको बुलावा भेजा जाएगा, और फिर बाद में बोल दिया कि आपको नौकरी ही नहीं दी जाएगी। यहाँ आ रहे हैं? नहीं है। चलिए अपना का कहे चाहिए? हम कहा चाहे थे कि हमारी मांग पूरी हो, DRM साहब यहाँ आम है, लड़कन का नौकरी दें। ये अभी कनिष्क तिवारी जी, कनिष्क तिवारी जी जब अपना आवाज बुलंद करत रहने अभी तक वह समस्या के हल हो जाए आ जाए। DRM चुकी आ चुके हैं, कलेक्टर साहब के कहा है उम्मीद है अपना पचन का लागत है। 100% उम्मीद ही कि DRM साहब न्याय करी। अब
अभी तक डीआरएम साहब का जानकारी नहीं रही है मामला, भले ना रही हो पे अब जब वो आए हैं अभी तक नहीं आए रहे, जब आए हैं तो हमका कुछ ना कुछ दे के जाए, हमका ये उम्मीद ही। चलिए ताऊ लोगन से हम जानकारी लेके प्रयास करी थे जे थे महिला हैं, का शुभ नाम है? हम लोग बोलते हैं लड़का के नाम का कमला देवी शर्मा। कहाँ से हैं? हम लोग भाषा से आए हैं। ये बताइए कितनी जमीन अपना फंसी है? हमारी जमीन फंसी है आधा एकड़। आधा एकड़ केहू को नौकरी नहीं मिली? अरे नहीं, एक हमें कुछ ही को नहीं मिली, हमें मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला है, रुपया नहीं मिला, नौकरी नौकरी नहीं मिली। हाँ नौकरी हमें नहीं मिला, कम है भूख मर रहे हैं, उतना तो कहते हैं मेरे पास रहा है। जी नहीं तो पहले का वादा करे रही सरकार? पहले ये रहा कि नौकरी मिलेगी सबको, खेत जमीन लेंगे तो आपको नौकरी देंगे, आधों को दे दिया, हम लोगों को नहीं देते हैं। क्या चाहिए पा गए तो हम चाहिए हमको भी मिले। तो मिला कि अपना हमारे 50 एकड़ के बीच चेक से निकली। जी कहाँ नाम है अपना के? जी नरेंद्र मिश्रा। कहाँ से हैं? हम सर यहीं गोविंदगढ़ स्टेशन से हैं, ग्राम माड़वा में हमारी जमीन है सर। 50 एकड़ का चेक है, उसके बीच चेक से हमारे रेलवे निकली हुई है और उसी जमीन में कुछ लोगों को सर्विस दे दी गई सर, और हमारे बच्चे अभी आज 3-4 साल से मतलब उसी के नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं सर। मांग का है अपना? मांग सर नौकरी मिल जाए, होगा बस होगा सर, मुआवजा मिल गया जो मिले कर रहा और नौकरी मिल जाए। नहीं तो रेल नहीं, नहीं तो यह अब नया नियम आवा है ना कि जेकर जमीन फंसी होकर नियम के पहले काहे दे दिन वह है नियम में हमहू हैं सर, जो उन्हें नौकरी दिन गए है तिवारी जी। 11-11 के पहले हम लोगों के भूमि अधिग्रहण गई है, नियम और कानून हम लोगों की जमीन जो गई है तो 11-11-19 के पहले गई है, हम लोगों की जो मांग बनाए अपने कानून का तोड़ रहे हैं सर। चलिए निश्चित तौर पर ऐठे अन्य लोग हैं, अधिकारी अफसर हैं, उनसे जानकारी लेके प्रयास कर मामला और का कहब है अपना के। हमारे साथ नीलमणि अग्निहोत्री जी हैं और अपना के द्वारा जो है यह पूरे मामला का देखा जा रहा है। सर क्या है पूरा मामला और क्या कुछ आप लोग इनकी मांगों पर विचार चल रहा है? देखिए जो इनका जो मांगे हैं उसका संबंध अभी स्थानीय स्तर पर नहीं है, ये बड़े स्तर का मैटर है और रेलवे डिपार्टमेंट का मैटर है। रेलवे डिपार्टमेंट ने पूर्व में जब भूमि अधिग्रहण की गई रेलवे के लिए उसमें उनके द्वारा जॉब प्रोफाइल मतलब जॉब देने के लिए लोगों को बोला गया था और कुछ लोगों को जॉब दी भी गई, फिर रेलवे का इंटरनल डिसीजन हुआ कि हम लैंड एक्विजिशन के वर्सेस जो उनका इमॉल्यूमेंट्स है जो भू अर्जन राशि है वह देंगे और जॉब नहीं देंगे, उनका इंटरनल डिसीजन था और उसी आधार पर जो लैंड एक्विजिशन किया गया उसकी भू अर्जन की राशि संबंधित किसानों को दी गई, किंतु जहाँ तक इन लोगों का सब्जेक्ट है कि हमें भी नौकरी दी जाए, किंतु वर्तमान में रेलवे विभाग एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार नौकरी का प्रावधान नहीं है, इस कारण से वर्तमान में नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो सर जैसे इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, ये आनंद विहार ट्रेन को रोकने के लिए जा रहे थे, बैरिकेड लगा के पुलिस के माध्यम से इन्हें रोक दिया गया है, अब इनके इनका कहना है कि DRM आ रहे हैं, क्या कुछ है ऐसी सूचना आपको भी कि DRM साहब आ रहे हैं? देखिए ये जो इनके द्वारा जॉब न मिलने के कारण इन लोगों की नाराज़गी है, किंतु जहां तक हमारा विषय है पुलिस का विषय है, यह लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और किसी भी ट्रेन को रोका नहीं जा सकता है, वो गैर कानूनी कार्य है, इनको समझाइश भी दी गई है और इसी कारण से इनको यहां पर रोक को बिगाड़ ना सके। क्या DRM इस मौके स्थल पर भी आ रहे हैं? निश्चित ही DRM या उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं और हो सकता है मतलब पहुंच भी चुके हों, वो कल भी थे और पहले भी थे, वो लगातार टच में हैं, प्रशासन के टच में हैं और हम लोग उसके अनुसार ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। चलिए निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं ADM सर, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह बात कही जा लगी कि जो हितग्राही हैं उनके मांगन पर विचार करे खेती, खुद DRM इठे आ रहे हैं। हमारे साथ मैडम हैं शिवाली चतुर्वेदी जी, मैडम क्या कुछ आप के द्वारा यहाँ पे निषेधात्मक कार्यवाही की जा रही है? अभी तक तो समझाइश दी जा रही है और धारा 144 भी लागू है, अगर कोई ऐसा उपद्रव करता है या कोई बात नहीं सुनता है, शांतिपूर्वक नहीं करते हैं, तो फिर हमें निश्चित ही निषेधात्मक कार्रवाई करनी होगी। जो मैडम ये कल से आप लोग को इनपुट भी मिल गया थे कि आनंद विहार रोकने के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं, तो क्या कुछ इंतजाम, कितनी फोर्स आप लोगों ने इस व्यवस्था के लिए बना के? हमारी 500 की फोर्स लगी हुई है, इसमें रेलवे की RPF GRP ये सारी फोर्सेस लगी हुई है और हमारी भी फोर्स लगे हुए हैं। थैंक यू मैम, निश्चित तौर पर यह एक बेहद बड़ा और गंभीर मामला है जहाँ लोगन के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। अपना देखिए लागे कि लाल झंडा लगाए के
हितग्राही और किसान जो हैं अपन विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं तो ललितपुर किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सारी पब्लिक की डिमांड ये है कि जो दो तरफा व्यवहार किया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से वो एक तरफा हो, या तो जिनको मिले उनकी भी छीन ली जाए या तो उनको भी देनी चाहिए जिनको नहीं मिली है। ये तो डीआरएम डीआरएम आवल लाके आए होते तो आज सामने आते ना बात करने आवल लाके उतर, सब बेहोशी की हालत में है शासन और प्रशासन, होश में होते तो आज रीवा में मौजूद होते ना कि वहाँ जबलपुर में बैठे होते। साल भर से इसी तरह बोल रहा है कि हम आ रहे हैं हम देंगे वादा करेगा सर उतर जाता है समानतर। चलिए तो कुल मिला कि यह मामला जो है बेहद गंभीर है, जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई था। अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।